जो बीच में बैठे हुए हैं वो काफी शाकाली लग रहे हैं आज, लग रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये हिंदी कविताओं के शाकाल हैं। ये बहुत बड़े डॉन है नाम है इनका, सुरेंद्र दुबे। ये वो धरती है जहां बच्चा पैदा होते वक्त मुस्कुराता है, क्योंकि शायद ये गौरव देश के हर वासी को है कि हमें हिंदुस्तान में पैदा होने का मौका मिला। और यहां पे आके हंसता इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि सुरेंद्र दुबे इस देश में रहता है, और सुरेंद्र दुबे जिस देश में रहता है वहां रोता हुआ बच्चा भी हंसता है। आइए सुरेंद्र दुबे जी, जरा जोरदार तालियां बजाइए। तो शैलेश भाई, बात चल रही थी दोस्ती की जी, मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है। मेरे एक दोस्त ने पूछा, क्या होती है सरकार? आहा। मैंने जवाब दिया, बरखुरदार, एक ऐसी चीज होती है सरकार जिसमें एक आदमी दूसरे की कुर्सी के पास जाकर कहता है, सरक यार। सरक यार। एक और वाकया याद आ रहा है जी। मेरी एक दोस्त मिस अंछुई, मिस अंछुई, मेरी एक दोस्त मिस अंछुई प्रेम मुझसे किया, शादी दूसरे के साथ हुई। शादी दूसरे के साथ हुई, शादी के अगले दिन तीसरे के साथ भाग गई। फिर अचानक मेरी किस्मत जाग गई, वह मेरे बराबर के मकान में रहने लगी और मोहल्ले वालों के सामने मुझे भाई साहब कहने लगे। तो हमारा एक दूसरा दोस्त बोला, यार ये तुम्हारी दोस्त है या गठबंधन की सरकार? भाई बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा है भाई, बहुत अच्छे। एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुनाता हूँ जी। मैंने एक पुलिस अधिकारी से पूछा, अपराधों की ऐसी इतनी भरमार, फिर आप कैसा लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं सरकार? वह बोला, बरखुरदार, घूम गया है शायद तुम्हारा भेजा, लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ है पैसा ला और ऑर्डर ले जा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हमारे देश में जो कानून को बनाते हैं वो तो उसे लागू नहीं करवाते, बनाने वाले अलग, लागू करवाने वाले अलग, और जो लागू करवाते हैं पुलिस वगैरह उस पर ये लागू नहीं होता। सुनना, जो कानून को बनाते हैं वो लागू नहीं करवाते, जो लागू करवाते हैं उस पर लागू नहीं होता, जिस पर लागू होता है, आप हम आम आदमी, जिस पर लागू होता है वो कानून को जानते ही नहीं। बहुत अच्छे। और जो कानून को जानते हैं वो इसको मानते ही नहीं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मैंने एक पुलिस के सिपाही से पूछा, अपराधियों की जिंदगी बदल नहीं पाया, आजादी के बाद तुम्हारा कानून देश में चल क्यों नहीं पाया? वो बोला, दुबे जी, आजादी के बाद देश में कानून ज्यादा चल नहीं पाया तो ये मत समझना कानून कायदे खोटे हैं, अरे कानून के हाथ तो लंबे हैं लेकिन पैर छोटे हैं। हा 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 हा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, इसलिए बेचारा चल नहीं पाता है, जहां जहां हम ले जाते हैं बस वहां वहां जाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैंने कहा, कहां कानून? तो पुलिस वाले ने जेब में हाथ डाला, मैंने कहा, दिखाओ, तो उसने निकाला, मैंने कहा, इधर दीजिए। वो बोला, नहीं नहीं, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। बहुत अच्छे। आप देश में कानून को ताक में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, हाथ में नहीं ले सकते। क्या बात है। मेरा एक दोस्त प्रॉपर्टी डीलर है जी, उस पर मैंने कविता लिखी, दोस्तों की बात चल रही है तो बिल्कुल याद, बहुत अलग विषय, प्रॉपर्टी डीलर पे कविता, पे कविता है भाई, वाह। मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, तेरी प्रॉपर्टी कहाँ गई भाई? बोला, बेच खाई। हाँ, बेच खाई। मैंने कहा, अब क्या कर रहा है? बोला, अब दूसरों की बिकवा रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे भी एक मकान चाहिए, कोई अच्छा सा हो तो दिलवाइए। सबसे पहले जेब का नाप लेता है। बोला, करते क्या है आप? मैंने कहा, कवि हूँ जनाब। बोला, हाँ कवि है, कविता करते हैं। तब एक मकान है, बहुत आलीशान है। मैंने कहा, मकान की कोई विशेषता? बोला, मकान के एक तरफ पागलखाना है, अच्छा, दूसरी तरफ शमशान है। अरे, मैंने कहा, एक तरफ पागलखाना, दूसरी तरफ शमशान? बोला, खास आपके लिए ये श्रीमान, वैसे कस्टमर बहुत आते हैं पर ये मकान हम सिर्फ कवियों को ही दिखाते हैं। अच्छा। मैंने कहा, कवियों को किस लिए? बोला, आधे तो आप होते ही हो। आधे तो आप होते ही हो, देर समेर पूरे भी हो जाएंगे तब इलाज की सुविधा बिल्कुल बगल में पाएंगे। क्या बात है। और जो तुम्हारी कविता की चपेट में आएंगे उसका भी रखा है ध्यान, इसलिए मकान की दूसरी बाजू है शमशान। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने कहा, मजाक मत कीजिए, मजाक मत कीजिए, मकान नहीं दिला सकते, कोई खाली प्लाट दिला दीजिए। बोला, हाँ, आप प्लाट मत लीजिए, बना बनाया मकान लीजिए, आप बना नहीं पाएंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं बना पाएंगे? बोला, कारण सुनेंगे तो पछताएंगे,
कल ही बाजार में एक आदमी ने दूसरे से कहा, एक कवि ने मकान बनाया तो दूसरे ने झट पूछ लिया, तुझे ये चुटकुला किसने सुनाया? बहुत अच्छे। दूसरे दोस्त के पास आया, उस दूसरे दोस्त ने जले पर नमक लगाया, अपने नव निर्मित मकान का फोटो निकाल कर दिखाया। मैंने फोटो देखा, शिष्टाचार बस तारीफ की। मैंने कहा, दोस्त क्या आलिशान मकान बनाया है, मकान के सामने कितना खूबसूरत पेड़ लगाया है। वह संभलते हुए बोला, पेड़ अभी नहीं लगाया है, अभी सिर्फ मकान बनाया है। दरअसल ये पेड़ फर्जी है जो इस फोटो में ट्रिक फोटोग्राफी से आया। अच्छा। जो ही उसने वस्तु स्थिति समझाई, मैंने भी मकान की फोटो निकाल कर उसे दिखाई। मैं कहा, देख मेरे भी मकान का फोटो। देखते ही वो बोला, ये तो गजब हो गया भाई जान, वैसे का वैसा पेड़, वैसे का वैसा मकान। मैंने कहा, दोस्त भगवान की मर्जी है, लेकिन इस फोटो में पेड़ ओरिजिनल है, मकान फर्जी है। बहुत बढ़िया कि देश के नेताओं ने देश की जनता को पिछले 65 सालों में देश की तरक्की की जो तस्वीर दिखाई है, दरअसल वो तस्वीर तो ओरिजिनल है, लेकिन उसमें तरक्की ऐसे ही ट्रिक फोटोग्राफी से आई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक रचना सुनाता हूं जी। बाप कंजूस, तीन बेटे, तीनों मां कंजूस, ये भी विकास है, हमारे पतन का विकास जी। पिता मरने वाला है, तीन बच्चे चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को सुनना। मरणासन्न पिताजी को देख बोला बड़ा पुत्र, ठेले में ही डाल के शमशान पहुंचाऊंगा। दूजा बोला, ठेले के तो साथ होगी भीड़ भाड़, स्कूटर पर रख कर मैं ही छोड़ आऊंगा। अच्छा। तीजा बोला, स्कूटर में तो पेट्रोल खर्च होगा, साइकिल पर बांध कर पैसे मैं बचाऊंगा। पिता बोला, मेरे लिए दुख मत पाओ बेटा, छड़ी टोपी दे दो, मैं तो खुद ही चला जाऊंगा। और पंक्ति सुने, तो पुरखों के सम्मान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। एक दूसरी चिंता और ध्यान दें। रपट लिखाने के बाद आया मंत्री जी को याद, कहा थानेदार को कि कष्ट न उठाइए, मेरी घड़ी मेरे पास में ही मिल गई है यार, घड़ी की तलाश झट बंद करवाइए। झुंझलाते थानेदार ने ये कहा मंत्री जी से, सच्चाई से मेरी मुश्किलों को न बढ़ाइए। जिनने कबूल किया जुर्म घड़ी चोरने का, उनका करूं मैं क्या यह तो बताइए। भाई बहुत अच्छे। तो हे कानून विधान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। और हिंदी में व्यंग कैसे आता है जी, इसका एक नमूना देखें। सवाल और जवाब है। उसने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? मैंने कहा, नहीं मैं तो ऐसे ही उदास हूं। उसने पूछा, मुझसे ईमानदार हो क्या यार? मैंने कहा, नहीं थानेदार जी का खास हूं। बहुत अच्छे। उसने पूछा, शरीफों के बीच रहते हो क्या? मैंने कहा, रहता तो विधायकों के पास हूँ। उसने पूछा, राजनीति में हो जाना चाहते क्या? मैंने कहा, इसीलिए करता बकवास। बहुत अच्छे। तो हे चाणक्य के ज्ञान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। बहुत अच्छे। फिल्मों के गाने हमारी कविता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है जी। हमारे उस साहित्य का क्या हुआ जी? मुन्नी शीला बिल्लो रानी, शालू ओ जलेबी बाई, छन्नो और छमक छल्लो है नए उफान पर। क्या बात है। 75 आशिकों को 77 इशारे किए, दिल है ये मुफ्त का जो रखा है दुकान पर। क्या बात है। शब्द भाव भंगिमाए सभी अश्लील, अब हो रहा प्रहार नित्य सभ्यता के मान पर। चौपाइयां चालीसाएं
आरतियां याद नहीं। क्या बात है, कितनी चमेली बच्चे बच्चे की जुबान पर। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छे। तो जनगण मन के गान तुम्हारा क्या होगा। बहुत अच्छे। प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। बहुत बढ़िया। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा। प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र दुबे जी, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जब परिस्थितियां ऐसी हो तो निश्चित तौर पे दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या होगा, लेकिन जब तक आप जैसे लोग हैं, जब तक कलम है, तब तक इस देश का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वाह वाह क्या बात है भाई आपके लिए, बहुत अच्छा।